तो आज बात करेंगे विंटर्स के एक बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। आप देख सकते हैं ये है जेरेनियम। जेरेनियम वैसे तो स्प्रिंग में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में भी ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। अगर जेरेनियम की बात करें तो ये एक कम पानी को पसंद करने वाला प्लांट है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे, क्योंकि अभी जो बारिश का सीज़न था तो उस समय ये प्लांट पूरा ख़राब हो गया था, और आजकल इस पर नई पत्तियाँ आ रही हैं, नई कलियाँ आ रही हैं, तो इसीलिए इसको ज़्यादा पानी में नहीं रखना चाहिए। और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको सनलाइट अच्छे से मिले, क्योंकि ये सनलाइट को पसंद करता है, और विंटर्स में तो ख़ास तौर पर सनलाइट्स इसके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे 12 इंच, लगभग 12 इंच के एक पॉट में लगाया है, और ये बढ़िया चल रहा है। इसकी कटिंग्स भी आसानी से लग जाती है, और कोई ख़ास इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप खाद डालना चाहते हैं तो आप गोबर डाल सकते हैं, गोबर काम कर जाता है। इसके अलावा अगर आपको आपका प्लांट नहीं चल रहा है अच्छा, तो आप एक बार इसमें अच्छे अनुपात में एकदम जो मेज़रमेंट सही होता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा NPK ज़रूर ऐड करें, क्योंकि वो इस पौधे के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और कटिंग की बात करें तो देखिए, आपने मैंने अभी इसमें एक टहनी तोड़ दी है, और इससे पहले भी मैंने एक ऐसी कटिंग तैयार की थी, डायरेक्ट टहनी ऐसे ही तोड़ के और मिट्टी में डिप कर दी, और ये आसानी से कुछ दिनों बाद, लगभग 15 से 20 दिनों बाद इसमें जड़ें आ जाएंगी, और फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक और कटिंग तैयार की है। जेरेनियम की एक और वैरायटी होती है जिसे आईवी जेरेनियम कहते हैं। तो आईवी जेरेनियम खास तौर पे विंटर्स का ही अच्छा प्लांट्स है। ये एक ये रहा, ये इस पर पिंक या रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, और इसकी बेल टाइप की होती है, एक बेल, लंबी बेल चलती है, और विंटर्स में अच्छा चलता है। अभी ये स्टार्ट हुआ है ग्रो करना, तो इस पर भी वीडियो बनेगा। और जेरेनियम के बारे में कहा जाता है कि इसे गरीबों का गुलाब कहते हैं। इसकी खुशबू गुलाब से मैच करती है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन इसके बारे में मैंने सुना है कि इसे गरीबों का गुलाब कहते हैं। और इसके फूलों से तेल निकलता है, जो तेल काफ़ी महंगा भी होता है, और वो तेल बहुत लाभकारी होता है। औषधि के रूप में लोग उसे काम में लाते हैं, और बहुत ज़्यादा बहुत मेडिकल फील्ड में इसका काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी मिट्टी की, तो आप रेत और जो दोमट मिट्टी होती है उसको मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें, मतलब मिट्टी को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, एकदम प्रॉपर जो मेज़रमेंट होता है, मुझे पता है गार्डनर्स को पता होता है कि एकदम लगभग लगभग इस टाइप की मिट्टी सारे पौधों के लिए चल जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही मेज़रमेंट चाहिए। ज़्यादा सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एकदम खुली हुई मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ आप इस मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। और अगर pH की बात करें तो ये 5.5 से 7.5 तक का pH जो मिट्टी का रहता है उसमें अच्छा ग्रो कर जाता है। हमारे आसपास जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे लगभग इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बहुत अच्छे से चल जाता है प्लांट। और इसके बाद इसकी खासियत यही है कि ये कटिंग से लग जाता है बहुत आसानी से। विंटर्स में भी आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। कम पानी की जगह पर ये काफ़ी अच्छा चलता है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी नहीं भी देंगे तब भी ये काफ़ी अच्छा चल जाएगा। और इसके बारे में यही है कि स्प्रिंग इसका बेस्ट टाइम है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो विंटर्स में भी लगा सकते हैं, विंटर्स में भी ये अच्छा चल जाता है। तो इस तरह से ये एक वीडियो था जेरेनियम के ऊपर। तो जो कुछ रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, और ऐसे ही वीडियोस, मुझे डेली टाइम नहीं लग पाता है वीडियोस अपलोड करने का, तो जब कभी टाइम लगे तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ, फ्लावरिंग प्लांट ही लेके आऊँगी शायद। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।